अच्छा मोगा से एक अपडेट जल्दी से आपको दे देते हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद भी इस वक्त मोगा सीट से पीछे चल रही हैं। पूरे कैंपेन के दौरान सोनू सूद अपनी बहन के साथ रहे थे। बार बार एक बात वो कह रहे थे कि पटियाला और लंबी से आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। भी एक अपडेट आपको दे देते हैं। पंजाब की अपडेट, पटियाला से कैप्टन पीछे चल रहे हैं, वहां से आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आगे है। लंबी इलाके से जहां से प्रकाश सिंह बादल थे और ऑपोजिशन में आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुडिया थे, गुरमीत सिंह खुडिया आगे चल रहे हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद वो फिलहाल मोगा सीट से पीछे चल रही है। सीएम चरणजीत सिंह चन्नी जिनकी दोनों सीटें थी भदौड़ और चमकौर साहब, दोनों ही सीटों से वो पीछे चल रहे हैं। लंबी सीट से प्रकाश सिंह बादल। जल्दी से बड़े बड़े दिग्गजों की बात कर देती हूँ जिनका प्लेइंग 11 में हमने जिक्र किया था, उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान अपनी सीट से आगे हैं। बाकी चाहे वो चन्नी साहब हो, कैप्टन अमरिंदर सिंह हो, नवजोत सिंह सिद्धू, राजेंद्र कौर भट्टल और विक्रम मजीठिया, विजेंद्र सिंह सिंगला, प्रकाश सिंह बादल, सभी लोग अपनी सीट से पीछे हैं। सुखबीर बादल भी अपनी सीट से पीछे हैं। जी नवजोत, और जो ये रुझान सामने आ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ये मैंडेट नहीं है, ये जनता का गुस्सा है, आक्रोश है, एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि जितने बड़े बड़े चेहरे पंजाब की सियासत को जो चलाते रहे हैं उन सबको धकेल दिया पीछे। ये आक्रोश से ज्यादा अनंत मैं वापस से उस बदलाव शब्द का इस्तेमाल करूंगी कि क्योंकि देखिए पंजाब की जनता के पास जब मैं गई उन्होंने कहा कि हमने बहुत अच्छे से परखा है, हम एक एक लीडर को एक एक पार्टी को परख चुके हैं, पिछले 70 सालों से हम यही कर रहे हैं। केवल दो ही पार्टियां थी और अगर हमें इतना ही नुकसान होना है तो चलिए एक बार नई पार्टी से भी नुकसान झेल के देख लेते हैं। उन्होंने इसलिए आम आदमी पार्टी को मैंडेट नहीं दिया है कि उनको पता है कि आम आदमी पार्टी कुछ करेगी। वो कह रहे हैं कि जब हमारा नुकसान ही इतना हुआ है तो चलिए एक और पार्टी कर ले, क्या पता वो हमारे लिए कुछ कर जाए। गुस्सा इसको इसलिए कह रहा हूं क्योंकि देखिए जिस मॉडल के साथ पंजाब में आम आदमी पार्टी उतरी है उसी मॉडल के साथ वो उत्तर प्रदेश में भी उतरी है, लेकिन वहां पर उसको खारिज कर दिया गया। उसी मॉडल के साथ वो गोवा में भी उतरी है, लेकिन वहां पर उसको खारिज कर दिया गया। जी उत्तर प्रदेश में जनता के पास बहुत अच्छा विकल्प है योगी आदित्यनाथ, बीजेपी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, बीजेपी से उतनी नाराजगी नहीं है जनता की। और पंजाब होता पंजाब है तो इसलिए वहां पे भगवंत मान फिट बैठते हैं। प्रतीक जी, यहाँ नवजोत सिद्धू की नामा राशि, नवजोत मैं बिल्कुल सहमत हूँ। सुनिए सुनिए, देखिए इस बात को सिरे से खारिज किया गया था जब किसान आंदोलन हुआ था, तमाम आरोप लग रहे थे पंजाब के यूथ पर और ये जो उड़ता पंजाब वाली टैगलाइन है उसको सिरे से खारिज किया गया था। और आज की तारीख में भी अगर आप पंजाब में जाएं तो सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव में कम से कम नशा नहीं रहा, इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी रहा है और इसीलिए उस चीज को सिरे से खारिज किया गया। और इसी मुद्दे को लेकर चाहे वो एजुकेशन का मुद्दा हो, हेल्थ का मुद्दा हो या फिर युवाओं को रोजगार देने का मुद्दा हो, यहाँ तक कि किस तरीके से पलायन रोकना, ये सबसे बड़े इश्यूज इस बार थे। जी और सबसे पहले तो मैं आपके अकाउंट में 1,000 रुपये डालूंगा। ये इतनी देखिए ना, दिल्ली वाला मॉडल वहाँ पे भी लागू करना है जी पंजाब में। हमने खाने की व्यवस्था है ही है, पीने की व्यवस्था हम जैसे दिल्ली में की है वहाँ पे खाने पीने की दोनों की व्यवस्था कर देंगे। आपको घर से 100 मीटर भी ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा और पटियाला आप जान ही रहे हैं। और 1,000 रुपये नवजोत जी के तो केजरी सिद्धू जी की नाम राशि की उसमें हम डाल देंगे। केजरी जी का ऐसा भी, नलों से पानी की जगह वही आएगा। नहीं हो भी सकता है, हो भी सकता है। एक कविता कुछ गौरव कहना चाह रहे हैं, छोटी सी कविता है। नवजोत सिद्धू की नाम राशि नवजोत जी बैठे हैं, अमित शाह की नाम राशि अमित मिश्रा बैठे हैं। तो बस पंजाब से उठाता हूँ कि चन्नी का चलन की डब्बा गुल हुआ, कि चन्नी का चलन, नवजोत जी सुन लो, कि चन्नी का चलन की डब्बा गुल हुआ, कि झाड़ू चल गई कमाल हो गया, कि पंजा खुद यहाँ शिकार हो गया, ये क्या गजब हुआ, ये क्या जुलम हुआ, न जाने ये न जाने वो। झाड़ू अच्छा एक मिनट, जरा चाणक्य भी हमारे साथ आ गए। देखिए चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो और चाहे उत्तराखंड हो, हमने जनता के सशक्तिकरण का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है और आने वाले समय में एक एक वोट की कीमत जितने भी राज्य में चुनाव हो रहा है वहाँ पर हम बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। और शाम तक इंतजार कीजिए, अभी तो जल्दी है। क्या बात, बहुत बढ़िया। मैं जानू पंजाब की बात कर रहे थे गौरव जी, तो एक बात मैं कह देती हूँ,
कि जैसे ही एंटर हुए पंजाब में भगवंत, याद करना, जैसे ही एंटर हुए थे पंजाब में भगवंत, विश्वासों ने कर दिया था उम्मीदों का अंत। लेकिन 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 बार बार पंजाब में गाजियाबाद को क्यों ले आ रही है? नहीं, नहीं, बात नहीं है, मैं बात पूरी नहीं, पता नहीं, गाजियाबाद चलेंगे, विश्वास वाला असर हुआ नहीं है। वही तो कह रही हूं, 84 नंबर देख रही हैं आप, प्रेडिक्शन 100 की हो रही है, अभी 100 तक पहुंचना है एज पर प्रतीक जी, तब भी आप विश्वास पर? नहीं नहीं नहीं, इसीलिए तो बता रही हूँ कि वो अंत करने की कोशिश हुई थी कि लेकिन बना तबाही इस कदर सिद्धू जी का ख्वाब। हाँ। अभी तो है नहीं, है क्या कि बना तबाही इस कदर, साथी चला दी और क्या, साढ़े सात चला दी, गले में कमल डाल दिया, दिल में तो वही है यार, मुझसे कुछ भी बोल सकता है, जानो उतार दिया, उतार दिया ठोको, उतार दिया यार, पहले भी पहले ये पहनी थी, फिर ये पहन लिया, अब क्या करूं, अब उतारूं सब? नहीं नहीं नहीं, ये मत उतारिए, बस सुन लीजिए, तो भी नहीं पहने आप बना, देखिए ये इससे पता चल रहा है कि तू भी पहनाता हूं पहनता नहीं, याद रखना नाम राशि। लेकिन लेकिन सिद्धू, लेकिन सिद्धू जी एक बात कह दूं कि बना तबाही इस कदर सिद्धू जी का ख्वाब, छिन गया इस बार तो पंजे से पंजाब, न न न न न न न, बताओ क्या डालोगे? चलिए फटाफट स्कोर कार्ड देख लेते हैं, आप कविताएं भी होती रहेंगी और भविष्य की घोषणाएं भी होती रहेंगी, लेकिन स्कोर कार्ड देखना जरूरी है। गौरव जी बस थोड़ी देर, पंजाब का स्कोर कार्ड सामने है, पंजाब का स्कोर कार्ड सामने है, कांग्रेस 17, बीजेपी 4, आम आदमी पार्टी कमाल का प्रदर्शन 84 सीटें और अकाली दल 10, अन्य के खाते में 2। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर शानदार परफॉर्मेंस बीजेपी करती हुई, रुझानों में 339 सीटें, 236 पर बीजेपी आगे, समाजवादी पार्टी गठबंधन 89 पर, बीएसपी 4 पर, कांग्रेस 6 पर, अन्य के खाते में 4। उत्तराखंड जहां बीजेपी बहुमत हासिल कर चुकी है, रुझानों में 70-70 रुझान सामने आ गए हैं, 43 पर बीजेपी, कांग्रेस 23 पर, आप 0, अन्य के खाते में 4। गोवा, लेकिन दोनों पुष्कर सिंह धामी, हरीश रावत, दोनों ही अपनी अपनी सीटों से पीछे, और यहां पर सबसे बड़ी बात दिग्गजों की करनी होगी कि तमाम सीटों पर एक्सेप्ट अगर हम उत्तर प्रदेश को छोड़ देते हैं, लेकिन बाकी जगहों की सीटों पर जो प्लेयर्स हैं, जो टीम लीडर्स हैं, जो कैप्टन्स हैं, वही पीछे चल रहे हैं। आनंद जी बिल्कुल, और इंटरेस्टिंग जो तस्वीर है गोवा की भी है, पहले बीजेपी पीछे थी, कांग्रेस 20 पर थी, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह पलट चुकी है, बीजेपी आ गई है 20 पर, कांग्रेस 13 पर और अन्य भी ज्यादा दूर नहीं है, तो ऐसे में काफी दिलचस्प मुकाबला। मणिपुर की तस्वीर सामने है, 9 कांग्रेस 28 बीजेपी, अभी क्लियर मैंडेट नहीं हुआ है नवजोत, 31-3 की जरूरत है बीजेपी को भी वहां पर, लेकिन क्लियर मैंडेट के बेहद करीब। गौरव कुछ कहना चाहते हैं? जब क्लियर वाला जिक्र करते हैं ना, तो जरा सा भी करीब आ जाता है तो पता चल जाता है कि क्यों हो जाएगा। देखिए मेरा मानना है, क्रिकेट की कमेंट्री हम कर रहे हैं, तो मेरा मानना है जैसे क्रिकेट में आखिरी बॉल तक मैच खत्म नहीं होता, ऐसे जब तक कि आखिरी वोट काउंट ना हो जाए मैच खत्म नहीं होता सियासत का। नवजो 403 में से 339 के अभी तक रुझान आए, बाद में आप हमें खूब हंस लेना मेरे ऊपर अगर ये परिणाम पलटते हैं। अच्छा, लेकिन इतना लंबा गैप है कैसे पलटेंगे, तो हमारे मन से तो एक ही गाना आ रहा है, ओ यूपी में फिर धूम मचाने दिल पे छाने आए योगी बाबा, योगी बाबा, अरे राम लला के मंदिर पे झंडा फहराने आए योगी बाबा, योगी बाबा, अरे फाड़ दिए गुंडों के छाते, फाड़ दिए गुंडों के छाते, बुलडोजर चलवाने आए बाबा, कांप रहे सब चोर लुटेरे, सबको मोक्ष दिलाने आए बाबा, अब फिर से धाक जमाने, अपना रंग जमाने आए, आए बाबा, ओ बाबा, योगी बाबा, आए बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, योगी बाबा, आ रहे हैं 235, समाजवादी पार्टी 90, कैसे होगा ये गैप पूरा? ये से तो अनंत देखिए जितने एग्जिट पोल थे, फिर हम ये कहें कि एग्जिट पोल के नतीजे एकदम सटीक रहे, क्योंकि उस दिन बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा था कि एग्जिट पोल भला ऐसे कैसे हो सकता है, तमाम दिग्गज ये कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी, अनंत आप बताइए ग्राउंड पर जब आप थे हवा तो बहुत ज्यादा थी, भीड़ उतनी ही थी, भीड़ प्रियंका गांधी की रैलियों में भी उतनी ज्यादा थी, लेकिन कांग्रेस देखिए 6 पर टिकी हुई है वहां पर। देखिए इस समय जो रुझान है, ये रुझान नवजोत बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैंने ग्राउंड पे जाके देखा था, मुझे लगा कि जो मैंने महसूस किया, और मैं शुरुआत से आप जब आपने देखा होगा हम लाइव वगैरह करते थे, ग्राउंड से रिपोर्ट देते थे, मैं शुरुआत से एक बात कहता आ रहा हूं कि इस बार जो बीजेपी की नैया पार लगाएंगी वो है महिला वोटर्स,
क्योंकि मैंने ग्राउंड पे जाके महसूस किया कि महिला सुरक्षा इस चुनाव का एक्स फैक्टर है। महिला सुरक्षा का मुद्दा नवजोत ऐसा था कि महिलाओं को महंगाई उनके सामने एक वो था मुद्दा था, महिला सुरक्षा एक मुद्दा था, लेकिन महिलाओं का कहना यह था कि सुरक्षा सबसे इम्पोर्टेंट है। लेकिन प्रियंका गांधी तो महिलाओं के लिए मैनिफेस्टो लाई, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, पिंक स्कूटी, पूरा कैंपेन पिंक रहा, तो इसका मतलब उन पर भरोसा नहीं किया गया। नहीं नहीं, बात भरोसे की नहीं है। महिलाओं का जो परसेप्शन था वो ये था कि अगर मुझे सस्ती दाल मिल जाएगी, अगर मैं सुरक्षित नहीं हूँ सस्ती दाल का क्या करूंगी। उनका कहना यह था कि अगर मुझे नौकरी मिल जाती है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो उस नौकरी का वो क्या करेंगी। उनका कहना यह था कि अगर मुझे फ्री में एजुकेशन मिलती है, अगर वो सुरक्षित नहीं है तो वो क्या करेगी। तो ये एक जो महिला सुरक्षा का सवाल था, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और मुझे लगता है कि इसने एक्स फैक्टर का काम किया है, और जो महिला वोटर्स हैं उन्होंने बीजेपी के लिए एक्स फैक्टर का काम किया है। दूसरा एक्स फैक्टर सुन लीजिए, जो मुफ्त राशन की घोषणा थी कोरोना काल के अंदर, जो घर घर पहुंचाया गया, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। आप सोचिए, इस इशू के सामने एक नैरेटिव खड़ा हुआ, वो था आवारा पशुओं का। ये बात लोगों के दिमाग में बिठाने की कोशिश की गई कि आपको 20 किलो अनाज फ्री मिलता है, लेकिन 40 किलो अनाज छुट्टा जानवर आपका वेस्ट कर जाते हैं। लेकिन लोगों के जहन में यह था कि अनाज मिल रहा है, किसी को कोई कट मनी नहीं देना पड़ रहा। जी बिल्कुल। तो ये देखिए, एक तरफ जलेबी और एक तरफ लड्डू, किसके खाते में जलेबी, किसके खाते में लड्डू, लेकिन कुल मिलाकर मुंह मीठा ही होना है आज। और कहां पर हाँ? लड्डू देखिए, दो दो तीन भगवानों को चढ़ता है बेसिकली, गणेश जी को, हनुमान जी को और नारायण को। तो हनुमान जी बजरंग बली के तो भक्त हैं, योगी जी आ ही रहे हैं, पूर्वोत्तर मतलब नारायण बृहस्पति, तो वहां पे भी लड्डू चढ़ रहा है। और अब आते हैं अगर बुद्ध की बात, जो कि हर किसी के साथ पचे जाता है, जैसे हाँ, उत्तराखंड गोवा रंग बुद्ध वाला पहन के, हाँ ये बुद्ध, ये तो है ही उत्तराखंड, हर किसी के साथ हाँ, तो बस ये हर किसी के साथ जी की याद आ रही थी। ये कही कि भदौरिया जी का ये अक्सर फेवरेट कलर है, और मुझे पहले तो लगा कि फेवरेट नहीं, उनका एक ही कलर है। अच्छा जी, तो निश्चित तौर पर तो लड्डू कहीं ना कहीं बटेंगे, और वैसे भी बृहस्पतिवार का, गुरुवार का दिन, नवजोत जी आप भी येलो में हैं, तो निश्चित तौर पर पंजाब में क्लियर मैंडेट मिलेगा। और हम उम्मीद करते हैं, जैसा कि मैंने कल भी बोला था, भगवान मान की जो कुंडली है वो स्ट्रांग है, लेकिन बहुत लंबा क्या सर्वाइव करेंगे एज ए सीएम, उस पर डाउट है मुझे, लेकिन निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी। मुझे बताइए कि मैं जो यहाँ पर जानना चाह रही हूँ वो ये है कि कैप्टन के रूप में उनको मैदान में उतारा गया, कैप्टन ने लीड किया, अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया है 85 तक, अगर यही फाइनल आंकड़ा रहता है तो कैप्टन क्या पूरी पारी आगे तक की खेल जाएंगे, बीच में कैप्टन बन जाएगा। कल भी मैं डिसएग्री कर रहा था कुछ लोगों से कि 100% ये सीएम बनेंगे, ये सीएम बनेंगे, लेकिन फुल टेन्योर 5 ईयर तक कैरी ऑन करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, उस पर मुझे भी डाउट है, क्योंकि 10वें भाव में नीच का सूर, जिसकी चर्चा कल भी करी थी, सत्ता तक पहुंचाएगा, सत्ता का भोग भी कराएगा। एक बार चैलेंद्र जी के पास जाते हैं, भगवंत मान की कुंडली क्या कहती है? देखिए, बृहस्पति राहु का कॉम्बिनेशन है उनकी कुंडली में, और जैसा प्रतीक भाई कह रहे थे कि सत्ता तो देखिए मिलेगी ही, मुख्यमंत्री बनेंगे भी, लेकिन लंबी पारी खेलने की संभावनाएं कम हैं। यानी शुरुआत में आम आदमी पार्टी को जो सफलता मिल रही है, देखिए भगवंत मान की वजह से नहीं मिल रही है, उस सफलता के पीछे का सबसे बड़ा कारण स्वयं अरविंद केजरीवाल हैं और उनकी कुंडली के अद्भुत राजयोगों की स्थिति है। इसलिए बिल्कुल सही बात है प्रतीक जी की कि फिलहाल भगवंत मान मुख्यमंत्री जरूर बनेंगे, लेकिन लंबे समय तक प्रदेश की सत्ता को संभालेंगे नहीं। जी वाराणसी से बड़ी खबर, वाराणसी से मंत्री नीलकंठ तिवारी पीछे हैं, वाराणसी दक्षिण की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, वाराणसी दक्षिण सीट से मंत्री नीलकंठ तिवारी पीछे हैं। आपको बता दें, नीलकंठ तिवारी को लेकर नवजोत जब हम ग्राउंड में गए थे तो वहां पर एक नाराजगी दिखी थी लोगों के अंदर, लेकिन अभी देखना होगा कि ये रुझान नतीजों में बदलते हैं या नहीं बदलते हैं। बड़ी खबर, वाराणसी दक्षिण से मंत्री नीलकंठ तिवारी पीछे, वाराणसी उत्तरी से मंत्री रविंद्र जायसवाल आगे, और गोरखपुर ग्रामीण से भी बीजेपी आगे चल रही है। गोरखपुर सदर सीट से, जहां से खुद सीएम योगी चुनाव मैदान में हैं, वो इस समय लगातार अपनी बढ़त बनाए हुए हैं। वाराणसी दक्षिण सीट जिस पर मेरी खुद से निगाह थी, क्योंकि इस सीट पर जब मैं गया तो वहां पर नीलकंठ तिवारी को लेकर एक नाराजगी का भाव दिखा था लोगों में, और इस समय वो पीछे चल रहे हैं। आने वाले राउंड्स में हो सकता है वो बढ़त बनाए या नहीं बनाए, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन इस वक्त के रुझानों में वो पीछे चल रहे हैं। और इस समय 346 सीटों के रुझान आ चुके हैं, बीजेपी 237 पर आगे चल रही है रुझानों में, समाजवादी पार्टी गठबंधन 93 पर आगे है, बीएसपी की एक सीट और बढ़ी है रुझानों में, 5 सीट पर बीएसपी,
कांग्रेस 6 सीट पर और अन्य 5 सीट पर। चलिए जल्दी से चलते हैं दिल्ली आम आदमी पार्टी के दफ्तर। अनीशा माथुर।